कोई दीवाना कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुमार विश्वास और आप सुन रहे हैं सनी मौजा के साथ रेडियो जिंदगी जिए जा, जा। जिए जा रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जिए जा, जिए जा। नमस्कार। दिल्ली अब दूर नहीं है। हाँ जी, दिल्ली का चुनाव भी एकदम निकट है और यहाँ पर सारी की सारी अपडेट देने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं नन अदर देन सनी मौजा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली बिल्कुल दूर नहीं है, इसलिए मैं भी दिल्ली के पास हो चुका हूँ। यहाँ मेरे साथ हैं द पॉपुलर अभी और हम बात करने वाले हैं दिल्ली की इलेक्शंस की। हाँ जी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज के नाम आ रहे हैं, एक तो आप हो गए, अरे आपने भाई, आम आदमी पार्टी हो गई, और एक BJP। जी हाँ, और यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है, कभी ये जीतता है कभी वो जीतता है। ओपिनियन पोल एकदम बीच में मतलब डिवाइड है, कभी वो कभी ये। हाँ, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट ले जाएगी? देख, अभी चक्कर क्या है कि मैं यहाँ पर ऑफिशियल सर्वे करने आया हूँ। हाँ, जिसका नाम है सनी मौजा ऑफिशियल सर्वे। जो मैं कहूंगा वही होगा मेरी माँ। तो मैंने क्या किया, जब से मैंने लैंड किया ना अभी, हाँ जी, तो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ कि भाई वो किसको सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, तो जब भी मैंने लैंड किया, मैंने जितने लोगों से बात की, वो सब लोग बोल रहे थे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अभी हम एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं, अभी अभी लैंड किया है मैंने, और मेरे साथ हैं आपका नाम शेष कुमार, और आप वोट देने वाले हैं इस बार। किसको वोट देंगे? केजरीवाल को। लास्ट टाइम किसको दिया था? पिछली बार दिया था आपने वोट? नहीं, इस बार पहली बार देंगे आप वोट केजरीवाल को? पक्का आप भी दे रहे हैं वोट इस बार? हाँ जी। किसको दे रहे हैं? पिछली बार भी केजरीवाल को दे रहे हैं, इस बार भी देंगे? इस बार भी। इस बार 40 सीटें होने होंगी कि नहीं होंगी? होंगी सर। क्या सर नाम है सर आपका? मेरा नाम सरताज। तो ये मैं अभी अभी लैंड किया हूँ, और ये यहाँ पर दिल्ली में दो लोगों से पहले बात की है, तो ये उन्होंने कहा है ज्यादा वेट नहीं, वोट पक्का करना है। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जिए जा, जिए जा। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं ABHI को, और मेरे साथ है नन अदर देन SUNNY सनी मौजा। जी हाँ, वही सनी मौजा जिसे सुनते ही आप कहते हैं कि रेडियो सुन की भी तो आज मौजा आ गया। अरे रुको रुको, मैं भी आया हूँ। कौन है? मैं बच्चू लाल, मोटू लाल, क्यूटू लाल। ओए कितना क्यूट है यार, कितना हाँ, क्यूट है। आई लव यू बेटे। आई लव यू टू। हाय हाय, क्या बोलना चाहते हो बेटे, बोलो। मैं बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे बेटे? क्योंकि अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं ना, इसलिए। अच्छा, तो बेटे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? अरे कोई भी पार्टी जीते, मोदी अंकल जीते या केजरीवाल अंकल जीते, पर लोगों को वोट तो करने जाना होगा ना पहले। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहते हैं जो यहाँ पर सुनने वाले हैं, उनके रिश्तेदारों को क्या करना चाहिए? मैं तो बस इतना सबको बोलूँगा, अरे भाई घर से निकलो, वोट तो करो, जिसको करना है करो, और वोट तो करो, वोट करोगे तभी तो अच्छे दिन आएंगे। वैसे अच्छे दिन तो मोदी जी लेकर आएंगे। अब इसमें मैं क्या बोलूँ? कुछ नहीं बेटा, आप गाना सुनो। You are listening to Radio Zindagi, Jiye Ja. वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ सनी मौजा। जी हाँ, वही सनी मौजा जिसे सुनते ही आप कहते हैं कि रेडियो जिंदगी पे तो आज मौजा आ गया मौजा। और मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं ABHI, और आप सुन रहे हैं अब दिल्ली पर स्पेशल रिपोर्ट। रिपोर्ट ढंग से बोले यार, रिपोर्ट। हाँ, तो यहाँ पर इलेक्शन फीवर ने इतना ग्रिप किया हुआ लोगों को, यहाँ पर अगर आप रेडियो ऑन करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी पार्टी के एड सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर यानी कि बे एरिया पर या दिल्ली में? दिल्ली, अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग विद अभी। ये दिल्ली से गए। लेकिन अभी एक बात मैंने नोट किया, क्या कि यहाँ पर मैंने आधे घंटे रेडियो ऑन किया था दिल्ली में, हाँ जी, वहाँ 5 एड चले हैं बीजेपी के। अच्छा, चलो चले मोदी के साथ। मैंने सुना है वो बहुत प्यारा जिंगल है। तर गाके सुना लिरिक्स याद नहीं है, अब क्या बोलूं मैं अब। चलो कोई बात नहीं, हमारे बेरे के लिस्टनर्स बड़े समझदार हैं, समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हाँ जी, अगर आप वोट नहीं कर सकते, आप एरिया में रहते हैं, तो एटलीस्ट अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, सहपाठी रह चुके हैं, परिवार वाले हैं, ये जो भी है, उनको एटलीस्ट बोलिए कि आप वोट देने जाइए।
दुश्मन भी है तो भी बोलिए, क्या फर्क पड़ता है व्हाट्सएप में कौन सा आपको से बात करनी है, टेक्स्ट कर दो ना यार। हाँ यार, क्योंकि क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि भैया एक अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी, एटलीस्ट कोई ना कोई मेजोरिटी में आएगा, लास्ट टाइम की तरह नहीं होगा जहां पर 5 MLA उसके 3 इसके, फिर सोचो कि सरकार बनेगी कैसे। सीरियसली मैन, वैसे आपका जो एक दिमाग है वो क्या बोलता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 क्लोज, लेकिन आम आदमी पार्टी माइट जस्ट हैव एन एज ओवर बीजेपी राइट नाउ। ओके, क्योंकि डिपेंड ये भी करता है नॉट जस्ट सपोर्ट कि कौन लोग एक्चुअली वोट करने जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो एक्चुअल में वोट करने वाले हैं। अच्छा। और काफी बीजेपी के सपोर्ट जो करते हैं वो शायद, क्योंकि वो अपर मिडिल क्लास है, शायद वोट करने ना जाएं। क्यों यार, नहीं जाते ना हम लोग, ऐसे ही होते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं। नहीं नहीं, अगर मैं होता तो मैं तो जाता। नहीं सीरियसली, तो अभी अपर मिडिल क्लास नहीं है ना यार। अरे हाँ, यही भी है। कुछ भी होता, मेहनत कर रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, अभी को अपर मिडिल क्लास लाने के लिए प्लीज आप वोट कीजिए, क्योंकि ये वोट करना चाहता है। चलो ठीक है भाई, आप सुन रहे थे दिल्ली वर्स स्पेशल रिपोर्ट। हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके पड़ोसी जो भी है इंडिया में रहते हैं, वो वोट करें। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ एबिया चाय एंड सनी मोजा सेइंग बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस एंड जीजा जीजा जीजा।